स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पैराडॉक्स केसेज इसका पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट थर्ड आप देख रहे हो कि एक लंबा सेक्शन है, तो इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, पार्ट थर्ड ए और पार्ट थर्ड बी। अब ये देखिए, ये सब जितने भी हैं पैराडॉक्स केस हैं और इनमें जिस एलिमेंट के नीचे रेड कलर से अंडरलाइन है, रेड कलर के मार्कर से, उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब इन एलिमेंट का हम लोग नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आएगा, या उसके ग्रुप के एसाइन मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से डेविएट कर जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम के कंपेयर में हायर हो सकता है या मिनिमम के कंपेयर में लोअर हो सकता है। ओके, अब अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो मैं पहला केस लेने जा रहा हूं। ये फर्स्ट केस BR3O8 है, BR3O8। इसको मॉलिक्यूल को ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इस नाम से जाना जाता है, और इस मॉलिक्यूल में हमको तीनों ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तीन ब्रोमीन एटम दिखाई दे रहे हैं मॉलिक्यूल में, तो तीनों ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ये सब जितने भी केसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी केसेज में हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रक्चर हमको बनाने आना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर बनाने आएगा तभी हम लोग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाते समय आपको एक एग्जांपल ध्यान पे रखना है। कौन सा एग्जांपल? जैसे अगर लेट नाइट 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग डिनर पर बैठे हैं और उसी समय हमारे घर में दो गेस्ट आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बना हुआ खाना है उसी खाने में उनको खिलाएंगे, एडजस्ट करेंगे, और उनको खिलाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि उनको खाना कम नहीं होना चाहिए, उनको सफिशेंट होना चाहिए। उसके बाद बचा हुआ खाना हमारे लिए सफिशेंट भी हो सकता है, सफिशेंट से कम भी हो सकता है, सफिशेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब होस्ट एटम, तो ऐसे कंडीशन में उसका ऑक्टेट पूरा भी हो सकता है, ऑक्टेट नहीं भी पूरा हो सकता है, ऑक्टेट से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए जो गेस्ट एटम है उनका ऑक्टेट जरूर पूरा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देगा। इन स्टेटमेंट को, इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का। अगर इस मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीन ब्रोमीन एटम है, तो ये देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये ब्रोमीन इस तरीके से एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये टर्मिनल वाले ब्रोमीन पर भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे बचे हुए हैं। अब अगर यहाँ पे सेंट्रल वाले की बात करते हैं, इस ब्रोमीन की बात करते हैं, तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2-4 हो गया एंड 1-5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि 8 ऑक्सीजन एटम है। एक मिनट, टोटल आपको दिखाई दे रहा है 8 ऑक्सीजन एटम है,
तो इन ऑक्सीजन एटम को कैसे एडजस्ट करते हैं, ऑक्सीजन क्या होगा, डाइवेलेंट होता है, दो सिंगल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड कर दिया, फिर जो था दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ पर एकदम इक्वली एडजस्ट करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और दोनों टर्मिनल एटम पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। इसके बाद एक ऑक्सीजन एटम इस जगह पर यह डबल बॉन्ड से हो गया, एक ऑक्सीजन एटम इस जगह पर डबल बॉन्ड से हो गया, एक ऑक्सीजन एटम इस जगह पर डबल बॉन्ड से हो गया, एक ऑक्सीजन एटम इस जगह पर डबल बॉन्ड से एडजस्ट हो गया। यानी कि टोटल तीन और तीन छह ऑक्सीजन एटम तो एडजस्ट हो गए, लेकिन बाकी आप देख रहे हो कि दो ऑक्सीजन एटम बचे हुए हैं। तो इन दोनों ऑक्सीजन एटम को यहां पर फिर हम लोग लाएंगे, क्योंकि टर्मिनल ब्रोमीन एटम पे अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये इस तरीके से ऐड हो गया डबल बॉन्ड से, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5 और ब्रोमीन की 2.8 होती है। तो ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आप देखोगे कि ब्रोमीन से दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, इसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन यहां पर, दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ब्रोमीन से ऑक्सीजन की तरफ दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये ब्रोमीन एटम है, इस ब्रोमीन एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, कितना हो गया प्लस सिक्स। दोनों ब्रोमीन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना देगा ना देगा, यानी कि इसका प्लस सिक्स होगा। फिर से समझिए, ये ब्रोमीन तीन ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और ब्रोमीन जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनको दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस सिक्स हो गया। ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन से कनेक्टेड है, दोनों ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका प्लस सिक्स हो गया। और सेम इसी तरीके से इसका भी कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। प्लस सिक्स कैसे हो गया, क्योंकि ये भी तीन ऑक्सीजन एटम से एडेड है, तीनों ऑक्सीजन एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन एटम दो दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका भी प्लस सिक्स हो रहा है। अगर हम लोग इस बीच वाले ब्रोमीन की बात करते हैं तो ये ब्रोमीन दो ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है और दोनों ऑक्सीजन एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका प्लस फोर हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन दोनों तरफ सेम एलिमेंट ब्रोमीन से कनेक्टेड है, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के इक्वल है, तो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना देगा। तो ये आंसर क्या हो गया, अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन ये प्लस सिक्स हो गया, प्लस फोर हो गया और प्लस सिक्स हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। अगर इस Br3O8 मॉलिक्यूल को इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, जैसे Br3O8 हो गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू जीरो हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, तो आठ का कितना हो गया 16। थ्री ब्रोमीन एटम का 3x हो गया इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया प्लस 16 हो गया, तो x इक्वल टू प्लस 16 बाई 3 करेंगे, यानी कि ये प्लस 5.33 आ रहा है, ये प्लस 5.33 डेसिमल में आ रहा है, इसलिए पैराडॉक्स का केस हुआ। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डेसिमल में फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स, दोनों टर्मिनल ब्रोमीन का प्लस सिक्स प्लस सिक्स, और जो इंटरमीडिएट बीच वाला है उस ब्रोमीन का प्लस फोर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रियलिटी में जो प्लस 16/3 आया था या प्लस 5.33 आया था, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था। कैसे, अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन अगर हम लोग निकालें तो आप देखोगे ब्रोमीन का एक एटम है इसका प्लस सिक्स हो गया, ब्रोमीन का बीच वाला एक एटम है इसका जो था प्लस फोर हो गया, फिर टर्मिनल वाला एक और जो था ब्रोमीन एटम है इसका प्लस सिक्स हो गया। टोटल थ्री ब्रोमीन एटम्स हैं, अगर इसको हम लोग करें तो प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्स कितना हो गया, ये प्लस 16/3 हो गया, यानी कि प्लस 5.33 आया, यानी कि
ये जो प्लस 5.33 आ रहा है या प्लस 16/3 आ रहा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब अगला हम लोग देखें एग्जांपल C3O2। आइए C3O2 मॉलिक्यूल को देखते हैं कि C3O2 मॉलिक्यूल में तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है मॉलिक्यूल में, कि तीनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं C3O2, और इस C3O2 मॉलिक्यूल में ये तीनों कार्बन का बताना है। सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, अगर CO होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये C3O2 है। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, इस नाम से जाना जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल का हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालें तो C3O2 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 हो गया, ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो दो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो गया, तीन कार्बन एटम इसी का निकालना है तो 3x मान लिया इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया +4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +4/3 हो गया, यानी कि x इक्वल टू +1.33 आ गया, ये डेसिमल में आ गया। अगर ये डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये पैराडॉक्स केस हुआ। तो पैराडॉक्स केस हुआ तो फिर इसको नॉर्मल मेथड से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और ये रियलिटी में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना, यानी कि तीनों कार्बन एटम को मिलाकर है, और हमको सबका इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है। तो इंडिविजुअली हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए ये तीन कार्बन एटम है, ये तीनों कार्बन को ऐसे मैंने किया, ये कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन 4 2 6 2 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर बचे हुए हैं, और इस कार्बन पर भी इसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आप देखो दो ऑक्सीजन है, मैंने क्या बताया रूल्स कि जितने भी ऑक्सीजन एटम है इसको इक्वली मैं दोनों टर्मिनल एटम पर एडजस्ट करूंगा। ये देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, ठीक है ना, आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है आपको सारी चीजें मालूम है। अब अगर हम लोग देखें यहां पर, तो इस कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन जो था इसे अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन जो था अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो कार्बन का क्या हो गया +2 इसकी वजह से। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसी कंडीशन में इस कार्बन का यहाँ पे +2 हो गया। अब ये कार्बन बीच वाला दोनों तरफ कार्बन एटम से कनेक्टेड है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसी कंडीशन में इसका 0 हो जाएगा। ये कार्बन इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसका कितना हो गया +2 हो गया। अब आप देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर यह आ रहा है कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ये कितना हो जाएगा +2 0 +2 आ रहा है, ठीक है ना, ये आंसर आएगा होल नंबर में, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये +4/3 क्या आया था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम लोग देखें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो आप देखो कार्बन का एक एटम है इसका +2 है, बीच वाला कार्बन ये भी एक एटम है और इसका कितना है 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, और तीसरा है कार्बन एलिमेंट ये भी एक है इसका +2 है। टोटल आप देखो तो तीन कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये +4/3 आ रहा है, +4/3 का मतलब +1.33 आ रहा है, ये आप देख रहे हो, तो +1.33 डेसिमल में आ रहा है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपको दूसरा वाला मॉलिक्यूल का केस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल लेने जा रहा हूं, और बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने जितने भी 11 एग्जांपल लिए हैं और इसके बाद भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये सब सारे क्वेश्चंस
कहीं ना कहीं जेई और नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो जो एग्जाम्स में एग्जाम्पल अभी तक पूछे गए हैं उन्हें सारे एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं थर्ड मॉलिक्यूल लेता हूं और ये थर्ड मॉलिक्यूल Na2S4O6 है, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम टेट्रा थायोनेट, इस नाम से इसको जानते हैं। एक बार यही मॉलिक्यूल एक दूसरे जता नाम से आ गया था एग्जाम में, बस थोड़ा सा चेंज, H2S4O6, इसको टेट्रा थायोनिक एसिड कहते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं टेट्रा थायोनिक एसिड। और यही मॉलिक्यूल एक बार S4O6 2- के नाम से आया था, इसको कहते हैं टेट्रा थायोनेट आयन, इस नाम से जानते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हमको चारों सल्फर एटम का निकालना है। अगर आप Na2S4O6 है इसको आयोनाइज करोगे तो दो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और टेट्रा थायोनेट आयन बनेगा। देखिए कैसे, ये 2Na+ हो गया और प्लस S4O6 2- बना। अगर टेट्रा थायोनिक एसिड है, अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया 2H+ और ये S4O6 2- बनेगा। तो अलग अलग एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन जो था अलग अलग तरीके से पूछा गया है और निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अगर बेटा इस मॉलिक्यूल का मैं नॉर्मल मेथड से निकालता हूं तो ये देखिए, ये S4O6 है, इस पर दो नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैंने इधर -2 लिखा। अगर हम लोग देखें यहां पे तो ऑक्सीजन के 6 एटम है, हर एक एटम का -2 होगा तो 6 एटम का कितना हो जाएगा, -12 हो गया। और 4 सल्फर एटम का 4x बोल दिया, -2 हो गया। तो 4x इक्वल टू ये +12 और -2, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो गया, +10। तो x इक्वल टू अगर देखेंगे तो +10/4 आ गया, यानी कि कहने का मतलब है कि +2.5 आ गया। ये 2.5 फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, इसलिए पैराडॉक्स का केस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन में चारों सल्फर एटम का पूछा गया है तो फिर क्या करना होगा, इस मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, बिल्कुल वही पैटर्न जैसा कि बाकी के दो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है। ये देखिए, यहां पर 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर, ये चारों सल्फर एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो गए। इस पूरे मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम में से जो था 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिस पर एक एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 2 नेगेटिव है ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पर है। और एक ही ऑक्सीजन एटम पर नहीं है बेटा, 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम पर है। तो 1 नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ पे और 1 नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ पर मैंने कनेक्टेड कर दिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डेड हो गया, तो ये देखिए 2, 2, 4 एंड 1, 5 हो गया। यहाँ पर 2, 2, 4, यहाँ पे 2, 2, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट से बॉन्डेड है तो 6 हो गया। यहाँ पर भी जो थे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो 5 बचे, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 1, 5 हो गया। अब ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पहले से होते हैं और 1 नेगेटिव चार्ज की वजह से 7 हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन ये गेस्ट एटम है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, आप देख रहे हो। अब एक ऑक्सीजन एटम को मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड से जो ऐड किया, तो एक ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड से बिल्कुल इक्वली जस्टिफाई करके चलेंगे हम लोग। फिर एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी हो सकता है, अब एक ऑक्सीजन एटम फिर इस जगह पे जो हम लोग ले आए। अब मॉलिक्यूल में टोटल 6 ऑक्सीजन एटम थे और 6 3 और 3 6 ऑक्सीजन एटम एडजस्ट हो गए, बीच वाले सल्फर एटम पे ऑक्सीजन आ ही नहीं पाया, अगर बचता तो यहाँ पर आ जाता डेफिनेटली। अब अगर ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, सल्फर की कम होती है,
तो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पर आ गया। और सेम कंडीशन, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और बीच वाले जितने भी सल्फर हैं सबके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम ही है, इसलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में न देंगे न लेंगे। अब ये सल्फर की बात करता हूँ, तो सल्फर प्लस टू प्लस टू प्लस फोर और एक प्लस वन, कितना हो गया प्लस फाइव। तो ये यहाँ पे टर्मिनल वाले का प्लस फाइव और इस टर्मिनल वाले का भी प्लस फाइव, कैसे प्लस टू प्लस टू, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो प्लस वन और हो गया, तो कितना हो गया प्लस टू प्लस फोर और प्लस वन, कितना हो गया प्लस फाइव। तो इसका भी आप देखोगे प्लस फाइव हो गया। अब ये जो बीच वाले सल्फर एटम्स हैं इनका आप देखोगे ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना दे रहे हैं, तो इसका जीरो, इसका भी जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये होगा कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये कितना हो गया, ये प्लस फाइव, जीरो जीरो प्लस फाइव। अब आप ये देखोगे जो प्लस टेन बाई फोर आया था यानी कि प्लस टू पॉइंट फाइव आया था, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो एक सल्फर एटम है इसका प्लस फाइव हो गया, बीच वाला है ये एक है इसका कितना है जीरो हो गया, फिर बीच वाला एक और है इसका भी जीरो है, फिर ये देखिए अब टर्मिनल वाला है एक इसका कितना है प्लस फाइव है, टोटल मॉलिक्यूल में कितने हैं चार एटम हैं। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो प्लस फाइव कितना हो गया टेन, और जीरो प्लस जीरो जो था जीरो ही होगा बेटा, तो प्लस टेन और जीरो कितना होगा प्लस टेन ही हो गया, तो प्लस टेन डिवाइडेड बाई फोर करेंगे तो ये प्लस टू पॉइंट फाइव आ गया। इस तरीके से ये पैराडॉक्स का केस हुआ, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चारों सल्फर एटम का मिलाकर ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको थर्ड वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में थर्ड वाला एग्जांपल। अब हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फोर्थ एग्जांपल आप देख रहे हो ये CrO5 है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड हुआ, क्रोमियम डी ब्लॉक का मेटल है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम से ज़्यादा होगी, क्रोमियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल। अब मैं फोर्थ एग्जांपल चल रहा हूँ, ये देखिए ये CrO5, इस मॉलिक्यूल का नाम क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड ये है। इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में हमको क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम एक ही एलिमेंट है, जब क्रोमियम एक ही एलिमेंट है और मेटल है हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। मैंने रूल्स में बताया था बेटा, याद करो कि कोई भी मेटल हो चाहे एस ब्लॉक का चाहे पी ब्लॉक का चाहे डी ब्लॉक का चाहे एफ ब्लॉक का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, कभी निगेटिव साइन के साथ नहीं होगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रोमियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और क्रोमियम एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट भी नहीं है यहाँ पर। अगर इसका हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो CrO5 इक्वल टू जीरो, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक एटम का माइनस टू, तो यहाँ पे पाँच का कितना होगा फाइव इंटू माइनस टू करेंगे तो माइनस टेन, और इस क्रोमियम का निकालना है तो उसको एक्स कर दिया इक्वल टू जीरो, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया बेटा बोलो प्लस टेन हो गया, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है प्लस टेन। आप देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये होल नंबर में आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये पैराडॉक्स का केस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक शो करता है। क्रोमियम मैक्सिमम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्योंकि क्रोमियम के डी सबसेल्स में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह सबसेल में एक अनपेयर्ड हुआ, तो यह मैक्सिमम छः इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब मैक्सिमम छः इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो क्रोमियम का मैक्सिमम प्लस सिक्स से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, जब प्लस सिक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है और प्लस टेन आ रहा है, इसलिए पैराडॉक्स का केस हो गया बेटा। फिर से आप देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं, ये क्रोमियम, तो क्रोमियम का जेड इक्वल टू 24 होता है,
या बॉ रूल को फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पर ये जो फोर या सबसेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर जो थ्री डी सबसेल है बेटा इसमें पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच हो गया, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो आप देखो बेटा पांच और एक कितने हो गए, छह हो गए, तो छह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने दे सकता है, छह। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, फोर एस में, और ये किसमें है बेटा बोलो, थ्री डी में है। तो ऐसे कंडीशन में ये छह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्लस सिक्स होगा, कभी प्लस टेन होगा ही नहीं, ये पॉसिबल कभी नहीं है। तो यानी कि ये पैराडॉक्स का केस हुआ, क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी हायर शो कर रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो क्या दिखाई देगा, ये क्रोमियम हो गया, इस क्रोमियम के साथ ये चार ऑक्सीजन, ये आप देख रहे हो ये चार ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, और एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से हो गया। ये चारों ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8, आप देख रहे हो। और इस ऑक्सीजन का देखो 6, और ये डबल बॉन्ड कितना हो गया, 6 to 8 हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो क्रोमियम के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा इससे। क्यों लेगा बेटा, क्योंकि क्रोमियम दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी ज़्यादा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको। ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ये देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड कहलाएगा, ये परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज कहलाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम लोग देखें तो क्रोमियम दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस क्रोमियम का अगर हम लोग देखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस टू, एक इसको दे रहा है प्लस वन और हो गया, एक इसको दे रहा है प्लस वन और हो गया, एक इसको दे रहा है देखो प्लस वन और हो गया, एक इस ऑक्सीजन को दे रहा है तो प्लस वन और हो गया, तो टोटल प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेशियो कितना हो रहा है बेटा बोलो, प्लस सिक्स। ये देखिए प्लस सिक्स हो रहा है। ये जो शेप है बेटा, ये बटरफ्लाई शेप जैसा दिखाई दे रहा है ना, आप देख रहे हो, तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बटरफ्लाई शेप कहते हैं। ये मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और पता नहीं कितनी बार नीट और जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ये यहाँ पे दो परऑक्साइड लिंकेज है बेटा, जो भी परऑक्साइड लिंकेज से ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेशियो -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका -2 हो गया। क्रोमियम टोटल आप देखोगे बेटा तो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसका कितना हो गया, प्लस 6 हो गया, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल भी आप देखो किसका है, क्रोमियम के मॉलिक्यूल का ही है, CrO2Cl2, जिसको क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, CrO2Cl2 इसको क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। पांचवा एग्जाम्पल क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द क्रोमिल क्लोराइड। और इस मॉलिक्यूल में किसका निकालना है, क्रोमियम एटम का निकालना है, यहाँ पे क्रोमियम एक ही है। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालें CrO2Cl2 में क्रोमियम का, तो क्या समझ में आ रहा है, ये आप देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन का एक एटम है जिसका -2 है, तो दो एटम का कितना हो गया, -4। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब पॉजिटिव साइन के साथ लिखें तो +1 लिखें कि +3 कि +5 कि +7 लिखें, ये कन्फ्यूजन बना रहता है बेटा, समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, ठीक है ना।
तो नॉर्मल मेथड से हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन का प्लस वन है, मान लेते हैं तो दो एटम होगा, इसका कितना होगा, प्लस टू हो जाएगा। अब ये क्रोमियम है, क्रोमियम को एक्स मान लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जीरो, तो ये एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस टू, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, प्लस टू। अगर क्लोरीन का मैं कहता है प्लस थ्री मान लेता हूँ कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, तो दो आइटम का कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स में से माइनस फोर गया तो कितना हो गया, प्लस टू बचा, प्लस टू उधर आएगा तो माइनस टू आ गया, है ना। ये कन्फ्यूजन रहता है। जैसे अगर क्लोरीन का मैं मानता हूँ कि प्लस फाइव है तो दो आइटम का कितना होगा, अगर दो आइटम का देखें तो यहाँ पे प्लस टेन हो जाएगा, प्लस टेन में से माइनस फोर गया तो कितना होगा, बोलो, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स उधर जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, तो क्रोमियम का कितना हो रहा है, माइनस सिक्स हो रहा है। तो क्रोमियम मेटल है और मेटल का कभी नेगेटिव साइन के साथ तो हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही होगा, मैंने आपको बताया है। तो इस मेथड से ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होती है, इसलिए इसको हम लोग फॉलो नहीं करते, मैंने क्रॉस लगा दिया। फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्रोमियम हो गया, इस क्रोमियम के साथ ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन। क्रोमियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिक्स। डी ब्लॉक का मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड हो गए, यहाँ पर दो और दो चार इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं, ये देखिए, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर हम लोग ये देखें तो क्रोमियम के कंपेयर में क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्लोरीन भी लेगा, ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप देखो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर हम इस क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम दो इसको दे रहा है, प्लस टू हो गया, दो नीचे वाले ऑक्सीजन को प्लस टू हो गया, और एक एक दो तक दोनों क्लोरीन को प्लस वन हो गया। अगर आप टोटल ऐड करते हो तो कितना हो गया, प्लस सिक्स, यानी कि इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर प्लस सिक्स है, ठीक है ना, समझ में आ गया। हम लोग नॉर्मल मेथड से निकाल रहे थे तो प्लस टू आ रहा था क्रोमियम का, और निगेटिव में तो पॉसिबल है ही नहीं, और क्या आप देख रहे हो स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं तो प्लस सिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये केस, ये कन्फ्यूजन वाले केस स्ट्रक्चर बना के करते हैं, ये पैराडॉक्स के केस होते हैं, इससे कभी कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आज का आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। टोटल 11 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 11 में से मैंने आपको 5 एग्जाम्पल आज बताए, ठीक है ना, 5 एग्जाम्पल बताए। बाकी के नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं पार्ट थर्ड वीडियो नंबर बी में बताऊंगा, आप ध्यान रखना। आगे का वीडियो आप मेरा जरूर देखें, मेरे यूट्यूब चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ कमेंट लिखना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो तो जाकर कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, कुछ बताइए, मैं और इम्प्रूव करूँ या और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।